फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो मेरा एक कमीशन वर्क है। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रहा है बनारस मंदिर और मस्जिद के ऊपर, ज्ञान बाकी मस्जिद के ऊपर, तो इसके ऊपर एक कमीशन वर्क आया है मेरे पास। तो उस तो मैं उसके ऊपर मैं आज पूरा फुल डेमोस्ट्रेशन आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हाउ टू ड्रॉ मस्जिद मंदिर एक साथ है, जो ब्यूटीफुल प्लेस है। और देखिए, हिंदू मुस्लिम एक आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं होता है, राइट। मेरा धर्म है आर्ट और वो धर्म को मेंटेन करना ही मेरा मकसद है और मेरा टारगेट है। तो कोई भी आके मुझे अगर बोले कि मस्जिद मंदिर दोनों एक साथ मिक्स कर दो, दोनों अलग कर दो, तो मैं करूँगा मुझे एज एन आर्टिस्ट। ओके, तो प्रैक्टिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ड्राइंग करेंगे और कलरिंग करेंगे, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है वो इन डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रेफरेंस आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल में ही है, जैसे कि ये गूगल में आपको मिल जाएगा। बट इसको हम लोग 100% कॉपी नहीं करेंगे, बिकॉज एक आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे कंपोजिशंस में चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो चेंजेस करने के बाद और वो लेआउट करने के बाद ही हम लोग कलर करेंगे, और पूरा एंड टू एंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का मस्जिद मंदिर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केचिंग। तो स्केचिंग करने का हम लोग वर्टिकली नहीं लिया है, हॉरिजेंटली लिया है। हॉरिजेंटली ही क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग एक लैंड कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मंदिर कहाँ तक है और मस्जिद कहाँ तक है। तो अगर हम लोग मस्जिद यहाँ पे करते हैं और मस्जिद यहाँ पे करते हैं, तो वो कैलकुलेट आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये लेफ्ट राइट साइड में हम लोग मस्जिद करेंगे, मस्जिद का शेप ऑफ ड्राइंग हम लोग करेंगे। यहाँ पे मस्जिद, फिर यहाँ पे मस्जिद का और एक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मस्जिद का टू पार्ट। ओके, फिर यहाँ से एक लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, बिकॉज दिस इज द पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है आप देख सकते हैं, टॉप व्यू है। हम लोग पूरा टॉप व्यू नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो पेंटिंग है, ये तो फोटोग्राफ के लिए जगह नहीं था, इसीलिए लोगों ने फोटोग्राफ्स लिया इस एंगल से। बट अगर ब्यूटीफुल पेंटिंग करना है तो हम लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे कि जैसे कि अच्छा लगे। ठीक है, स्ट्रेट ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ से दो लाइंस राइट यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे अब ये जो पार्ट है, ये इस साइड का जो पार्ट है वो है मंदिर का पार्ट। ठीक है, हम लोग मंदिर करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे शेड्स होगा। ठीक है, यहाँ पे मस्जिद जैसा विंडो। देखिए, हम लोग को मिक्स करना है, इसके अंदर शिव जी है, भगवान वो भगवान है, कौन सा भगवान है वो जस्टिफिकेशन हो तो चल ही रहा है न्यूज़ में। एंड इसमें मस्जिद कैसे बनाया है नहीं बनाया है वो भी तो एक पार्ट है, तो उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग काफ़ी बोल्डली माइंडसेट है, हम लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम्स कुछ नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि यस, जो आर्किटेक्चर है वो हम लोग करेंगे, छोटे 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 आर्किटेक्चर जो यहाँ पे मंदिर का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों का इन डिटेल हम लोग ये थोड़ा सा पेंसिल्स वर्क कर लेंगे कि यहाँ पे मंदिर कैसा है, मस्जिद है कि नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा फील करना है कि मस्जिद और मंदिर बोथ को बैलेंस रखना है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा इधर और ज़्यादा उधर कर देते हैं, राइट। तो ये त्रिशूल यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं ऊपर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कलर। कलर कैसे होगा, फर्स्ट एक वॉश करेंगे, लाइट कलर करेंगे हम लोग फर्स्ट टोन में।
मस्जिद को छोड़ के कलर करेंगे थोड़ा। ठीक है, अब सेरुलियन ब्लू हम लोग दे सकते हैं, ये कलर कर सकते हैं। उसके बाद यही कलर थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा शेडो, क्योंकि वाइट कलर का है ना, तो पूरा हम लोग ऐसे हम लोग कलर करेंगे। ठीक है, रफली एक सजेशन दे देंगे इस साइड में। अब इस साइड क्या करेंगे, ऑरेंज एंड ब्राउन, रेड, इस टाइप का कलर एंड येलो, राइट, इस टाइप का कलर हम लोग इस साइड करेंगे फॉर मंदिर। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि कलर से ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज द गोइंग ऑन, कहाँ पे क्या चीज है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये देखिए, अब इस साइड में थोड़ा सा रेफरेंस, क्योंकि बनारस है तो बनारस में तो मैक्सिमम इसी कलर का टोन जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टोन, आप लोगों को याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट टोन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा वॉश कर दोगे, वॉश कर दोगे, ये जो वाइट वाइट है इसको आप ढक दो। ठीक है, अब क्या करना है कि थोड़ा सा सेरुलियन ब्लू लेके जो स्काई है यहाँ पे, थोड़ा सा स्काई में डार्क दे देना है। ठीक है, थोड़ा सा स्काई में डार्क दे देना है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट टोन। फर्स्ट टोन ड्राई होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड टोन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड टोन। ओके, सेकेंड टोन स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे कौन सा कलर जाएगा, कहाँ पे शेडो जाएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग काम करेंगे कि थोड़ा सा ब्लू लेके थोड़ा सा डार्क, एक थोड़ा सा ड्राई करके हम लोग एक कलर करेंगे, जैसे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक शैडो हो गया। अब ऊपर में यही चीज को यहाँ पे थोड़ा सा डार्क से करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट, मतलब ज़्यादा नहीं, बिकॉज ब्राइट का जो ब्राइट का लाइट है उसको कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पे होगा टू लाइंस, राइट, एकदम लाइट कलर से। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना है कि कौन सा कलर कैसे जाएगा, ठीक है। ये देखो आप, जस्ट सजेशन देना है, डिटेल नहीं करना है। ओके, नाउ ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आप कर सकते हो थोड़ा सा डार्क, ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन कर सकते हो, थोड़ा सा सजेशन कि भाई है वहाँ पे कुछ डिज़ाइन। ये इस मुस्लिम्स का इस्लामिक का टिपिकल डिज़ाइन होता है, एनी फोर्ट, एनी मस्जिद, एनी समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे शेडो इसका यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, अब यहाँ पे भी डार्क होगा, ठीक है, यहाँ पे भी डार्क होगा, कुछ यहाँ पे भी डार्क है, देखो। ठीक है, अब कुछ डार्क यहाँ पे भी आप थोड़ा सा टच कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा टेक्सचर दे सकते हो यहाँ पे, मस्जिद में जो टेक्सचर होते हैं, पुराना हो गया है ना काफ़ी, ठीक है। अब क्या करना है कि थोड़ा सा शेडो नीचे की तरफ ऐसा देना है, ऐसे यहाँ पे एक तो लाइन देना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे पूरा शेडो आ रहा है, शेडो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है वो देखना है कि यहाँ पे शेडो है, कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे शैडो है, ठीक है, यहाँ पे शैडो है, यहाँ पे शैडो है, यहाँ पे शैडो है। अब लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, जब लाइट इधर से आ रहा है तो हम लोगों के पास एक ऐसा लाइट आएगा शैडो, ठीक है, ये पूरा शैडो में जाएगा, तो यहाँ पे पूरा जो शेडो में जा रहा है, बिकॉज इधर में लाइट है और इधर में डार्क है, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब इस साइड में क्या होगा कि कुछ लाइंस है जो उस पार्ट को दिखा रहा है, फिर यहाँ पे आप एक मस्जिद का पार्ट दिखा सकते हो, मस्जिद मंदिर का पार्ट दिखा सकते हो, तो दूर में मंदिर है, ठीक है, जो मिक्स करके यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, मीन्स के यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, रेड एंड ब्लैक ले लेंगे, यहाँ पे जो डार्क है उसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। स्टार के अंदर मंदिर का जो
फ्लेवर है वो हम लोग को देना है। ठीक है, कैसे देना है ये देखिए, हो रहा है मंदिर का आर्किटेक्चर। इसको थोड़ा सा आपको ज्ञान लेना है कि कैसे ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट ऑफ एनी वाटर कलर, राइट। सो वाटर कलर करने से पहले आपको ड्राइंग को फोकस करना है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे भी डिज़ाइन, नीचे तक जाएगा, फिर यहाँ पे पिलर, राइट। पे ग्रासेस, ब्रोशेस काफ़ी सारा पुराना हो चुका है तो ब्रोशेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रोशेस मिलेगा तो बहुत। अब इसके नीचे में अगर मैं जाऊँ, पिलर, शैडो, ओके। अब यहाँ पे कुछ टेक्सचर देना है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे जो शैडो जा रहा है पार्ट ऑफ मंदिर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप थोड़ा सा डिजाइन, जो इंडियन हम लोग का मंदिर का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा बोरिंग होता है, बट जो लोग एक्चुअल वाटर कलर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ही मेरा ये चैनल है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो सपोर्ट करिए। बहुत ही कम वीडियो डालता हूँ, पहले डालता था तो काफ़ी यूज़र को वाटर कलर सीखना नहीं होता है, उन लोगों को पता चल उन लोगों को फील होता है कि इसका करियर नहीं है। ऑब्वियसली बहुत टफ है वाटर कलर में करियर को बिल्ड करना, आप उससे बेटर के आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, बट वही है जिसका पैशन है वो तो करते रहेगा, राइट। अब यहाँ पे आप कैरेक्टर कर सकते हो, कुछ कैरेक्टर है यहाँ पे जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी कैरेक्टर है, ओके। ड्राई ब्रश से कुछ लाइंस
राइट है, तो बहुत पुराना मंदिर है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे किस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन दिखाना है, राइट। ये देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि इस मस्जिद के ऊपर शेड हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करें, लाइट एंड शेडो को आपको कंट्रोल करना है कि लाइट एंड शेडो आप कंट्रोल कैसे हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब अगर नीचे में देखें काफ़ी स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स है, ये है वो है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेडो दे सकते हो, यहाँ पे शेडो आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकता है, ऐसे शेडो आ सकता है, ठीक है, परफेक्ट। अब थोड़ा सा एक दो यू नो इस टाइप का हम लोग झंडा, दो तीन झंडा एक कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो त्रिशूल किया था त्रिशूल भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो बर्ड्स है ये भी बर्ड्स आप कर सकते हो। तो ये फाइनल स्टेज है, यहाँ पे आप दो तीन स्ट्रोक से आप फिनिश कर दो, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो आपका पेंटिंग ख़राब हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, ये क्लाइंट के लिए ही मेरा हो रहा है, तो कमीशन वर्क अगर आता है आपके पास तो आप इस टाइप का क्वालिटी दे सकते हैं क्लाइंट को। बट पहले आपको वाटर कलर के बारे में जानना है, सीखना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आप दे सकते हो कैरेक्टर में, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।